अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर युवक युवतियों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया, वो भी एक होटल के अंदर। कुछ लोग खाना खाने के लिए जाते हैं होटल के अंदर, जैसे ही वे खाना खा करके वापस बिल देने की बारी आती है तो होटल कर्मियों से उनकी बहस हो जाती है और इस दरमियान मारपीट होती है, जिसका वीडियो अब सामने आ चुका है। इसको लेकर के पुलिस थाने के अंदर दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई हैं, क्या कुछ कहा गया और ये मामला क्या बयां कर रहा है, दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। जयपुर के एक होटल में परिवार के साथ आए युवक युवतियों ने तोड़फोड़ कर दी। खाना खाने के बाद पेमेंट को लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इसके बाद युवक युवतियों ने होटल मालिक को पीटना शुरू कर दिया। होटल में लगी हुई सीसीटीवी तोड़फोड़ और मारपीट की करतूत कैद हो गई। इसके बाद चित्रकूट नगर थाने में दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज करवाई है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि होटल स्टाफ उनसे बदतमीजी कर रहा था। एसआई सौभाग्य सिंह ने बताया कि केशव नगर सिविल लाइन्स निवासी रघुवीर सिंह राठौड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया कि विद्युत नगर चित्रकूट में उनका उत्सव नाम से होटल है। रविवार की दोपहर वह काउंटर पर बैठ करके होटल संभाल रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे गौरव सोनी नाम का युवक होटल में आया। उसके साथ 3 युवक और 5 युवतियां भी थी। गौरव सोनी नाम के युवक ने होटल में खाना खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर के हिसाब से स्टाफ ने खाना बनाकर उसको सर्व किया। होटल में आए सभी युवक युवतियों ने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद पेमेंट करने की बात पर मना कर दिया। खाना अच्छा नहीं होने की कहकर के स्टाफ से कहा सुनी करने लगे। काउंटर पर जाकर के होटल मालिक रघुवीर सिंह से बहस भी करने लगे। होटल ओनर रघुवीर सिंह ने कहा, खाना अच्छा नहीं था तो आपको खाना नहीं चाहिए था। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।